लोगों को ये मेकअप। सो हाई गाइज, वेलकम बैक टू माई चैनल ब्लश एंड ग्लो। होप कि आप लोग अच्छे होंगे, घर में होंगे, सेफ होंगे। सो आज बहुत 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 दिन बाद हमने मेकअप वीडियो को शूट करी है, क्योंकि न्यू ईयर था। न्यू ईयर पे लोग चाहते हैं काफ़ी, यू नो, मेकअप्स। लड़कियां बहुत सर्च करती हैं यूट्यूब पे कि उनको कैसा टाइप का मेकअप करना चाहिए। सो आजकल काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडी मेकअप है ये हाफ लाइनर, ग्लॉसी लिप्स, और यू नो, थोड़ा सा ग्लॉसी मेकअप हमने किया है और वेवी हेयर्स के साथ, जो कि हमने रात में हेयर स्टाइल बना दी थी। अगर आप लोगों को जानना होगा कि हमने कैसे किया है, हीटलेस कर्ल है ये, हीटलेस, जैसे हमने ओवरनाइट इसको रखा था। सो आप लोग, बहुत इजी है, बहुत इजी है, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है इसमें। बस आप लोगों को अगर जानना होगा हमने कैसे की है तो कमेंट में बता दीजिएगा, हम वो उसकी भी शॉर्ट्स बना देंगे, तो आप लोग देख लीजिएगा। सो ये है मेरा न्यू ईयर का मेकअप लुक, होप कि आप लोगों को अच्छा लगेगा और बहुत ज़्यादा, और यू नो, बहुत ज़्यादा प्रिटी बबली क्यूट सा टर्न्ड आउट हुआ है। सो हमने इसमें जो भी प्रोडक्ट यूज़ किए हैं सबका लिंक इसमें डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप लोग वहाँ पर चेक कर लीजिएगा। और हमें बहुत ज़्यादा कोल्ड हुआ हुआ है अभी, तो लग रहा है थ्रू द वीडियो आप लोगों को पता चल जाएगा कितना ज़्यादा हमें कोल्ड हुआ हुआ है। हमें इतनी ज़्यादा छींकें आ रही है हम बता नहीं सकते, बट हमें ये वीडियो शूट करनी थी, आप लोगों के लिए डालनी थी, तो हमने बना ली। हमें इस टाइम पे फीवर भी है, बट ठीक है, कुछ भी है, काम तो करना ही पड़ेगा ना। सो ठीक है, हमने ये वीडियो बनाई बैठ के, बहुत ज़्यादा प्रिटी और बहुत ज़्यादा क्यूट सी है, आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगी ये वीडियो। और आप लोग मेरी वीडियो को पूरा देखा करिए और मेरी चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, और जहाँ पे आप लोग सब्सक्राइब करेंगे वहाँ पे साइड में एक एक बेल आइकन दिया गया होगा, उसको भी आप लोग क्लिक ज़रूर कर दीजिएगा, जिससे कि आप लोगों को मेरी वीडियो जब भी अपलोड होगी उससे नोटिफिकेशन आ जाएगी आप लोगों को, और आप लोगों से वो वीडियो मिस नहीं होगी। सो गाइज, हैप्पी न्यू ईयर इन एडवांस ऑलरेडी। सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं, वीडियो होगी वॉइस ओवर में। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं बहुत ज़्यादा कोल्ड हो गया है और हम ब्लैंकेट तोड़ के बैठे हुए हैं नीचे से, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी कल लखनऊ में, बहुत ज़्यादा बारिश भी हुई। सो अभी हम सबसे पहले अप्लाई करेंगे प्राइमर, क्योंकि हम मॉइस्चराइज़र अप्लाई करके बैठे हुए हैं ऑलरेडी, क्यों बहुत ज़्यादा ठंड है, मेरी ड्राई स्किन भी है बहुत ज़्यादा। सो अभी हमने यहाँ पे जो प्राइमर यूज़ किया है वो है टू फेस्ट का, बहुत ज़्यादा अच्छा है। अभी हमने कुछ प्रोडक्ट्स बाय किए थे, उसके साथ सैम्पल साइज हमको फ्री मिला था, इसने मेरे पूरे फेस को बहुत ज़्यादा सॉफ्ट कर दिया था। और ये भी हमने नया मंगाया है मैक का, सो हमने सोचा ट्राई भी कर लेंगे और आप लोगों के साथ इसका रिव्यू भी शेयर कर देंगे। मैक की ये स्ट्रोक क्रीम है, बहुत ज़्यादा फेमस है, बहुत लोग इसकी बात करते हैं। तो हमें बहुत टाइम से ही चाहिए थी और इसने अपने रिजल्ट के साथ हमें इतना ज़्यादा इम्प्रेस किया है। सी, यू कैन सी द ग्लो ऑन माय फेस, इट्स मतलब बहुत अच्छे से इसने मेरे फेस को इतना अच्छा इल्यूमिनेट कर दिया है। हमको बहुत ज़्यादा पसंद आई ये, इसका जो मिनी साइज था वो 1050 रुपीज़ समथिंग का था, बट इट्स वर्थ इट, आई वॉन्ट टू से इट्स वर्थ इट। बहुत मतलब आप लोग लिए और ट्राई करिए, आप लोगों को पता चलेगा। और बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजिंग भी है, इसको फेस को बहुत अच्छे से मॉइस्चराइज भी कर देता है। सो ये वाले कंसीलर की तो हम बहुत बार ऑलमोस्ट सारे वीडियोस में, मेकअप वीडियोस में बात कर चुके हैं इसकी, ये बहुत ज़्यादा मेरा फेवरेट कंसीलर है। और ये दूसरा कंसीलर हमने मंगाया था क्योंकि जो फर्स्ट वाला था वो मेरा फिनिश हो गया था। ये आपको फुल कवरेज देता है और बहुत थोड़ा सा प्रोडक्ट लगता है और बहुत अच्छे से स्प्रेड हो जाता है, स्किन में इतना सीमलेस लगता है बहुत ज़्यादा, और कुछ टाइम में बिल्कुल सेटल हो जाते हैं स्किन में। तो अभी हम लॉरियल का ही फाउंडेशन भी यूज़ कर रहे हैं, ये स्किन पे बहुत अच्छा, ड्राई स्किन के लिए बहुत अच्छा है, बिल्कुल ये मैट नहीं करता है, स्किन को बहुत शाइनी अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड करता है। और जो हमने अपनी स्किन पे इल्यूमिनेटर लगाया है मैक का, वो और भी ज़्यादा मेरे फेस को ग्लो प्रोवाइड कर रहा है, जिससे मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ग्लॉसी और मेकअप बहुत ज़्यादा क्यूट सा लग रहा है, बहुत ज़्यादा ग्लॉसी, और मेरा बेस बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था इससे। सो अब हम ये अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे अपना फाउंडेशन, अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। अब ये मेरा मोस्ट फेवरेट हम यूज़ कर रहे हैं, फिट मी का लूज पाउडर। हमको ये वॉइस रिकॉर्डिंग फिर से करनी पड़ रही है, दूसरी बार हमने एक और यूज़ करी थी, उसमें पता नहीं बैकग्राउंड की मैं क्या ही घू करके कुछ साउंड इफेक्ट आ रहा था, सो उसके जैसे मैं पूरी डिलीट करनी पड़ी। और कोल्ड में हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है बोलने में। सो
फिर भी हम इसको कर रहे हैं। अभी हम अपना फेस कॉन्टोर किया, हमने शुगर का यूज़ किया है। सारे प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक आप लोगों को, तो वहाँ से चेक कर लीजिएगा कुछ भी चाहिए हो तो। मेरी आईज़ बहुत ज़्यादा रेड हो रही है कोल्ड की वजह से, तो हम सोचे थे पता नहीं कैसा फेस लगेगा मेरा मेकअप के बाद, बट मेकअप के बाद अच्छा लगने लगा, कोई इतना ज़्यादा अजीब नहीं लग रहा था, क्योंकि कोल्ड होता है तो फेस बहुत ज़्यादा अजीब सा लगने लगता है उतरा उतरा। सो खैर अभी हम अप्लाई कर रहे हैं यहाँ पे आईब्रो सेट कर रहे हैं अपनी। हम क्या करते हैं, कोई भी आई शेडो पैलेट से ब्राउन या ग्रे और ब्लैक शेड लेके मिक्स करके हम अप्लाई कर लेते हैं, क्योंकि मेरा हेयर का कलर ब्राउन है, सो उसमें मिक्स करना होता है हमें। सो इसलिए ये बहुत अच्छे से मेरी सेट हो जाती है और मेरे लिए काम भी बहुत अच्छे से करती है। आप लोग भी ज़रूर ट्राई किएगा एक बार कोई आई शेडो पैलेट में से डार्क कलर का लेके। सो अभी हम हुडा ब्यूटी की पैलेट यूज़ कर रहे हैं आई शेडो के लिए। हम आईज़ के मेकअप बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत ईजी बीजी सा है। इसमें जो येलो कलर का पाउडर दिया गया है उससे हम अपनी आईज़ को ब्राइटन अप करने की कर रहे हैं, उसको पूरा अपनी आईज़ पे अप्लाई कर लेंगे और देखिए मेरी आईज़ बहुत आईलिड जो है बहुत ब्राइट हो गई है। अब कोई भी इस पे हम प्रोडक्ट लगाएंगे तो बहुत अच्छे से विजिबल होगा और ब्लेंड भी होगा। सो हम बहुत एक पीच कलर का शेड लेके अपनी आईलिड्स पे पूरे पे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे और वही सेम शेड लेके अपने लोअर लैश लाइन में भी। सो जो हम शेड की बात कर रहे थे वो ये शेड था, तो वही शेड लेके हम अपनी लोअर लैश लाइन में भी ब्लेंड कर लेंगे। सो आई लुक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, इसमें और कुछ नहीं करना है, आई लाइनर लगाना, हाफ विंग लाइनर लगेगा। सो अभी ये हुडा ब्यूटी की पैलेट में शिमर शेड्स बहुत प्यारे हैं, और जिसमें कि ये वाला मेरा बहुत ज़्यादा फेवरेट है वाइट शेड, बहुत क्यूट और बहुत प्रिटी लगता है ये आईज़ के ऊपर। सो ये अपनी मिडल क्या बोलते हैं इसको आईलिड्स पे मिडिल में लगा लेंगे, कभी कभी ऐसा होता है। सो सी बहुत क्यूट लग रही है, बस वैसे ही अभी हम हाफ लाइनर क्रिएट करेंगे इससे। सो अभी हमने ये नया न्यू लाइनर पेन मंगाया है, एल्फ का था ये, जो हमें देखने में काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा था और इजी भी है, बिगिनर्स लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इजी है ये पेन की तरह पकड़ के ड्रॉ कर देना है। सो अभी हम लाइनर मेजर कर रहे हैं अपनी आईज़ का, दोनों आईज़ का, फिर उसके बाद अप्लाई करेंगे, क्योंकि फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है, कभी एक तरफ का चेंज होता जाता है एक तरफ का चेंज हो जाता है। सो अब मेजर करने के बाद अप्लाई करना इजी हो जाता है। सो बस हम हाफ लाइनर क्रिएट करेंगे दोनों साइड पे और बहुत ज़्यादा आईज़ क्यूट लगेगी। आपको क्या करना है, इसके साथ अपनी स्किन को थोड़ा सा स्ट्रेच करना है पेन के लिए और बहुत ईजीली अप्लाई हो जाएगा, बहुत कोई ज़्यादा आप लोग को एफर्ट नहीं लगाने की ज़रूरत है। बहुत अच्छे सी कितना प्यारा लग रहा है, ऑलमोस्ट टाइम मेरी कंप्लीट है, बस मस्कारा इसमें हम अप्लाई करेंगे। सो सी वाओ इट्स लुक सो क्यूट। सो यहाँ पे मेरे साथ एक ब्लेंडर होने वाला है अभी, आप लोग देखिए। यहाँ पे मेरे जो आई लैश कर्लर है वो कुछ उसमें जो नीचे लगा हुआ होता है रबर कोई सपोर्टर होता है उसको पुश करने के लिए, वो गिर गया है कहीं ख़राब हो गया है। सो उसको हमने स्किप कर दिया, फिर अभी हम अप्लाई कर रहे हैं मस्कारा। यहाँ पे हम दो मस्कारा सोचा था अप्लाई करेंगे, बट हमने जब मेबलिन वाला यूज़ किया सो हमें लगा वही काफ़ी सफिशेंट है। सो हमने बस तीन लेयर्स अप्लाई किया था मस्कारा। आप लोग ऐसे ही अप्लाई करेंगे तो बहुत अच्छी फॉल्सीज इफेक्ट आएगा और ये मस्कारा बहुत ज़्यादा अच्छा है। सो अभी यहाँ लाइनर है तो इस वजह से इतना ज़्यादा मस्कारा पता नहीं चल रहा है, वैसे बहुत अच्छा लग रहा है। सो यू नो वी आर इंडियंस, जुगाड़ तो हम कर ही लेते हैं। सो हमने क्या किया उसी से आई लैश कर्लर से बस ऐसे ऐसे पुश कर दिया, यू कैन सी द डिफरेंस, बहुत अच्छे से पुल आउट हो गई थी मेरी आईलैशेस और काफ़ी अच्छा कर्ल मिल गया था उन लोगों को। सो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं ब्लश, क्योंकि मेरा बहुत फेवरेट पार्ट है और आप लोग को बहुत ज़्यादा ब्लश लगाना है इसमें और अच्छे से ब्लेंड करना है, यानी कि बहुत ज़्यादा हम बोल रहे हैं बहुत ज़्यादा लगाना है तो आप ऐसे ही लगा लें और ब्लेंड नहीं करें, बहुत अच्छे से ब्लेंड करिएगा जैसे नेचुरल इफेक्ट आए, और नेचुरल इतना लाने की ज़रूरत भी नहीं, आपको पार्टी अटेंड करनी है सो थोड़ा सा कुछ यू नो बोल्ड होना चाहिए। सी ये हमने बहुत न्यू अपना हाइलाइटर मंगाया है जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा ब्लिंगी है, बिल्कुल bomb.com लग रहा है। नोज़ पे भी हम इसको अप्लाई करेंगे, ऑलमोस्ट हम पूरे फेस पे हाइलाइटर अप्लाई करते हैं क्योंकि आई लव हाइलाइटर। सो नोज़ पे, चिन पे, चिक पे, फॉरहेड, सब जगह लगा डालेंगे, बिल्कुल इसको पूरा फेस हाईलाइट कर देंगे हम अपना। सो अभी हम अप्लाई कर रहे हैं लिपस्टिक, लिपस्टिक के लिए हम यूज़ कर रहे हैं ये द फेस शॉप का लिप पेंसिल टिंट, जो कि इसको अप्लाई करेंगे और ये काफ़ी अच्छा शेड है, थोड़ा सा रेडिश है, इसका हम दूसरा शेड भी मंगाने को सोच रहे हैं पिंक।
सो ये फर्स्ट शेड, इसको अप्लाई करने के बाद इसको थोड़ा सा एक टिश्यू से एक बार रिमूव करके फिर उसके बाद ये हम हुडा ब्यूटी की लिप ग्लॉस लगा रहे हैं। ये बहुत अच्छी है, यू कैन सी हाउ ग्लॉसी इज इट, बहुत ज़्यादा प्यारा लग रहा था। और इस ये है पूरे गेम का, सॉरी पूरे मेकअप का गेम चेंजर लिप ग्लॉस, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था इसके साथ मेकअप, और रियल में भी बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था, सेम ऐसे ही दिख रहा था। सो गाइज, ये थी मेरी न्यू ईयर की मेकअप की वीडियो, होप कि आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही होगी। आप लोगों को अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और अगर आप लोग ये मेकअप ट्राई करते हैं तो हमें इंस्टाग्राम पे ज़रूर टैग करिएगा। सो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल देन बाय।